जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ, आज तक आपने जो भी अयोध्या के बारे में जो भी कहानियां सुनी हैं, कभी विभीषण प्रकट हो रहे हैं तो कभी कोई प्रकट हो रहा है, कभी हनुमान जी, कभी बानरों का झुंड हो रहा है, कभी अश्वत्थामा प्रकट हो रहे हैं, ये सब बनाई हुई कहानी है। आप जरा सोच सकते हैं मैंने वीडियो क्यों बनाया, क्यों एक चैनल पे देख रहा था यूट्यूब पे, उससे बहुत मिलियन में व्यू जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि कहते हैं झूठ पे हम सभी बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, बनावटी बातों पे हम भरोसा कर लेते हैं, और सच जो होता है सच को हम कुरेद कुरेद कर देखते हैं। अगर अभी आप हमारे कहीं जख्म हो गया उसको ऐसे करके देखोगे, बड़े गौर से देखोगे, उस पर इतना विश्वास नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह से आप देख नहीं लोगे। और अगर कहीं ऐसी गुम चोट किसी की लग गई और थोड़ी सी सूजन है और वो कहता है दर्द बहुत तगड़ा हो रहा, तो आप विश्वास कर लोगे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, सूजन को दिखा के और झूठ बोल रहा है कि दर्द हो रहा है। ऐसे ही तरह तरह के वीडियो से फोटोज इधर उधर की लगा के और बनावटी बना के आज ये प्रकट हुए, रावण प्रकट हुए, कभी सीता प्रकट हुए, कभी भीषण प्रकट हुए, कभी हनुमान प्रकट हुए, कभी कोई प्रकट हुए, कभी अश्वत्थामा प्रकट हुए, तो ये बनावटी कहते झूठ का प्रचार करना गलत बात है। अगर ऐसा होता, इतना बड़ा कहते हो, इतनी बड़ी उपलब्धि कहते, जो असंभव था, जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया हमारी सरकार ने, इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, वीआईपी, वीवीआईपी, बड़े से बड़े दिग्गज लोग इसमें शामिल हुए, और लेश मात्र भी इस कहानी का कोई, अगर ऐसी बात होती अभी आप कुछ दिन कुछ महीनों पहले देखो कि प्रकट ही जैसे मर्जी के लिए पाकिस्तान की एक बहन सीमा जी हिंदुस्तान में प्रकट हो गई तो सुर्खियों में आ गई, हर न्यूज चैनल पे, हर और सोशल मीडिया पे दिन रात उसी के गुड़। और इतनी बड़ी बात हो जाए, इतनी बड़ी बात हो जाए कि अयोध्या में राम मंदिर में प्रकट हुए विभीषण, अयोध्या राम मंदिर प्रकट हुए स्वयं रावण, अयोध्या प्रकट हुए अश्वत्थामा, अयोध्या प्रकट हुए सीता माता जी, भरत प्रकट हो गए, अरे कहाँ की बनावटी बातों पे आप भी लोग सपोर्ट उसको करते हो, झूठ का कहते, झूठ का प्रचार और उसमें सपोर्ट करना गलत बात है। किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी इसके अलावा किसी न्यूज चैनल पे या सोशल मीडिया पर आपने देखा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने भी ऐसे वीडियो डाल के देखा कि देखते हैं लोग क्या करते हैं, कि ऐसी बात होती तो अफवाह क्या एकदम यूं हवा की तरह फैल जाती बात। आज तक किसी ने किसी न्यूज चैनल पे या थोड़ी सी भनक किसी दूसरे चैनल पे या फेसबुक कभी किसी देखा ही नहीं है, तो वो सत्य कैसे, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा धाम राम मंदिर अयोध्या में, इतना बड़ा काम जो कहते बड़ी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और बड़े से बड़े दिग्गज लोग आए शामिल हुए, और वहां ऐसी बात हो जाए पता ही ना चले, सिर्फ एक ही बंदे को पता चले, सब एक ही बंदे के सामने प्रकट हुए, जा सोचने वाली बात है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऐसे झूठ का प्रचार ना करें, कहियो थोड़ी सी बातें सच जो सामने आ गई उनका मतलब थोड़ा सा बखान करने के बाद, और किसी ना किसी कहते जो पहले पूर्व जन्म के महापुरुष रहे हैं उनका नाम ले लेके झूठ का प्रचार करना गलत बात है। तो बस यही कहना था, कुछ भी नहीं है, कोई प्रकट नहीं हुआ आज तक, अगर हुआ होता तो हम सबको पता चलना चाहिए था, सुर्खियों में दिन रात एक अगर एक ही हनुमान प्रकट होते, विभीषण प्रकट होते, एक ही प्रकट होता तो सुर्खियों में आ जाते, यो बात हो जाती कि हर इंसान जाता, हर इंसान अभी जो नहीं जाना चाहता वो भी जा जाता समाज।